Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely great. So guys, today we are with Desi Boy's vlogs and brother has come to Jai Auto. I am going to put my Nexon seat cover and brother has put my I20 seat cover. And the music system. And brother has put my music system, so there was a distortion in it. So the RC leads are in it, there was a little problem, so he is changing it. So today, first of all, which seat cover is putting it? Show it to me. This seat cover I have selected. I-20 is black leather, it looks good. I didn't understand any color. ये एक्चुअल में बेस्ट पार्ट इसका ये है कि जो बर्फी का स्टाइल है ना ये गाड़ी की लुक को थोड़ा सा स्पोर्टी बना रहा है और सबसे बड़ी बात ये मैंने रेकमेंड कराया सोनू भैया के कहने पे और विवेक भाई के कहने पे दोनों भाइयों को यही पसंद था कि ये लगाओ गाड़ी में लुक की एक मतलब बहुत अलग लुक आ रही थी गाड़ी में बैठ के ना कहते हैं ना कि मतलब फील आ जाता है कवर चढ़ने के बाद सबसे बड़ी बात मेरे को क्या हो रहा है कि मेरे को इसमें ऑर्डर नहीं देना पड़ा सोनू भैया ने ऑलरेडी पहले से बनवा के रखे थे मैंने कॉल किया था आप फोन कर सकते हो फोन करके अपना पसंद कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी सोनू भी आपको फोटोज भेज देंगे और उसके बाद आप अपनी पसंद का लाओ टाइम सिर्फ 2 या 3 घंटे लगेंगे चढ़ जाएंगे सीट कवर और एंजॉय करो और बाकी आगे जब चढ़ जाएंगे तो फिनिशिंग दिखाऊंगा पूरी इसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगा आप लोगों के लिए वो भी देखना क्योंकि इसके चैनल पे भी आ रहा है और ये मेरे चैनल पे तो ये विवेक भाई के चैनल पे भी आएगा तो आपको 2-3 वीडियोस देखने को जरूर मिलेंगी और क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा यहाँ से काम कराने का वो भी मैं आपको बताऊंगा तो गाइस यहाँ अभी आधी की बैक सीट जो है वो निकल के यहाँ आ गई है और भाई भी बकेट करवा रहा है तो बकेट के अंदर पूरा का पूरा ऐसे तामझाम जो होता है वो सारा कट जाता है जो आपकी ओरिजिनल सीटें होती हैं मेरी सीट के साथ भी ऐसा ही होगा और कुछ हद तक अगर मैं लुक दिखाऊं बैक की सीट की सो आप यहां देखोगे तो कुछ ऐसी सी लुक आ रही है बैक की सीट की सो जैसे जैसे काम होता है कैसे जैसे काम करेगा तो वो भी आपको सारा दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है एंड फिनिश होने के बाद क्या लुक आती है वो दिखाता हूँ तो वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो आपने आगे तक देखनी है सो गाइज आदि की गाड़ी की बैक सीट जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है सो भैया ने कर दिया है एंड कुछ इस तरीके से गाड़ी की जो लुक है वो आ रही है सो आप देख सकते हो ये जो बर्फी वाला डिज़ाइन है ना वो गाड़ी की लुक को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कर रहा है अभी जब पूरी लगेगी तो यार इसका मज़ा अलग आएगा बाकी कुछ हद तक लुक इसकी इस तरीके से आ रही है सो गाइज आदि की बैक सीट दोनों तैयार हो गई हैं तो अभी वो फिट हो रही हैं बाकी फ्रंट सीट अगर आप देखोगे तो कुछ हद तक इसकी लुक आ रही है इस तरीके से सो अभी भाई इसको सीधा करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यार कैसा लग रहा है बाकी अगर मैं वैसे बताऊँ यार लुक वाइज बहुत ही सही लग रहा है कुछ इस तरीके से गाड़ी की लुक आ रही है जो आदि की सीट है I20 की और अगर आप जैसे मैंने आपको बताया बर्फी का डिज़ाइन खास करके जो ऊपर से ऐसे आ रहा है और बाद में उन्होंने उसको नीचे से पतला कर दिया और यहाँ से भी इस तरीके से करा जो कि इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कर रहा है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी कर रहा है एंड अगर मैं यहाँ पे इसकी फिटिंग की बात करूँ तो आप फिटिंग देख सकते हो अल्टीमेट फिटिंग आई है आदि की सीटें वापस लग गई हैं कुछ इस तरीके से लुक आ रही है आदि की गाड़ी की बाकी मेरे को पता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आने वाले हैं कि भैया रिंकल्स आ रहे हैं सो रिंकल्स वैसे पूरे के पूरे सीट कवर्स टाइट है बट ये रिंकल्स इस वजह से क्योंकि ये पूरा फोल्ड करके रखा हुआ था अभी इसी टाइम मैंने ये जो है असेंबल नहीं हुए हैं मैन्युफैक्चर नहीं हुए हैं तो इस वजह से भी ये जो रिंकल्स हैं आ रहे हैं बाकी ये 2 दिन लगेंगे मैक्स टू मैक्स ये जितने भी रिंकल्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे बाकी भैया अभी फिट कर रहे हैं सो जैसे ही फिट हो जाती है फिर आपको एक बार इसके पूरे शॉट्स दिखाता हूँ कि यार एक्चुअल में गाड़ी लग कितनी सुंदर रही है बाकी यार आप लोगों को ये बर्फी वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है और एक स्पोर्टी सी लुक लग रही है इसकी एक चीज और चीज कंफर्म करनी है मेरे को कि विवेक भाई आपका सजेशन लेना चाहता हूँ मैं गाड़ी में जैसे देखो मेरा ड्यूअल इंटीरियर है क्या मुझे इसमें करवाने की जरूरत है मैचिंग या नहीं नहीं मुझे लगा था कि यार देख पहले ही ड्यूअल इंटीरियर है या बाद में कराऊं उस टाइम बाद अगर जाते भी हैं सपोज तो इसके अंदर ब्लैक कपड़ा भी लगाएगा तो तेरा सबसे पहली चीज चेंज हो गया दिखेगा ही नहीं तो इसमें कोई और कपड़े पे जा ही नहीं सकता क्योंकि तेरा डैशबोर्ड वैसा ही है ऐसा है तो वो एक इंटीरियर सेम सेम मैच कर रहा है तो मेरे हिसाब से उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं तो भाई अभी भैया बस फिट करने लगे और फिर म्यूजिक सिस्टम के ऊपर व्लॉग जरूर देना क्योंकि वो कंप्लीट करवा लिया मैंने फाइनली डीडी के अपग्रेडेशन हो चुकी है विद एम्प SNB का एम्प लगवाया मैंने बहुत ही फाड़ है भाई वो साउंड क्वालिटी आप खुद सुनोगे देखना उस व्लॉग को भी वो हम अलग आपके घर पे शूट करेंगे वो भैया ओके Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.